अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं? अब तो बहुत करीब करीब आ रहे हैं। फरत रहीला, आप कैसी हैं? अब तो दो क्लासेस रह गई हैं, अब तो शौक से आना चाहिए, अब तो काफ़ी कम दिन रह गए ना जी। आज काफ़ी लोग कम हैं, शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें फंस गए होंगे। चले फिर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसा जा रहा है? यस मैम, अच्छा जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं वो फिर मैं पर्सनल में शेयर करूंगी, क्योंकि ये फिर आप वहाँ पर भी अपलोड करती हैं ना, इसलिए। ठीक है, आप उधर कर दी वो फिर इसलिए ना कि अब देखो कितने लोग नहीं हैं, तो अब क्या करूं, उनका भी तो लॉस होता है। तो वो भी मतलब वो जर्नल में नहीं है, वो सिर्फ लिंक के साथ है। तो चलिए आप मुझे वॉइस कर दीजिएगा, तो अब स्टार्ट करते हैं। दो दिन रह गए, आप फिर कर दीजिएगा जो भी आपने करना हुआ। तो आज का जो थीम है वो थीम क्या होगा, गेस करें आज का थीम ये है, शुक्रगुजारी। आज डे 19 है और हम से पहले कि हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो, वो काउंटडाउन स्टार्ट हुआ हुआ है, जब से भेजते हैं लिंक उससे स्टार्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा लेट भेजती हूँ कि ताकि थोड़ा सा सारे लोग इकट्ठे आ जाए। लेकिन फिर भी वही होता है कि टाइम वेस्ट हो ही जाता है। 1 आवर का टाइम होता है और उसमें काफ़ी क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ चीज़ें डिक्टेशन भी करनी पड़ती हैं। तो आज भी तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट तो ऊपर हो चुके हैं लिंक भेजे। मैम आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, बहुत, और कल का भी बहुत अच्छा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगी और ज्यादा लोग भी होंगे, अब देखें कम ही है, बहरहाल वो वीडियो देख लेंगे। तो मेरे खुद दिल के करीब है और मैं करती हूँ ग्रेटिट्यूड, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये आदत है। और मैं हर इंसान का, हर उस वे का जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ जिस किसी ने भी मेरे साथ थोड़ी सी भी कोई अच्छी बात की, नहीं भी की, मैं सबकी ग्रेटफुल होती हूँ, उस ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। तो आज का टॉपिक, और मैम इसके फायदे भी बहुत हैं, जितना हम करते हैं वो इतने फायदे होते हैं कि इतने देखने को चीजें मिल रही होती हैं, यकीन ही नहीं आता कि ये कैसे खुद ब खुद रास्ते आसान हो गए। और आज अम्मी के साथ अभी 1 घंटा पहले ही कोई डिस्कशन हो रही थी किसी टॉपिक पर, तो मैं कह रही थी अम्मी मैंने अल्लाह का शुक्र नहीं किया, तो शायद इसीलिए मेरे साथ ना दोबारा से ये मसला हो गया है ना। तो आज मैं पूरी रात तस्बीह पकड़ के बैठूंगी और मैं शुक्र अदा करूंगी, नमाज भी पढ़ूंगी, नफल भी पढ़ूंगी, ये वो मैं सब मम्मी के साथ कर रही थी डिस्कस। तो ये वाकई बहुत मतलब किसके फायदे हैं। तो वो आपको इसलिए जा रहा था ना कि आज आपने सीखना था, आप तो टेलीपैथिक स्टूडेंट हो आप। यस आप लोगों को गया ना ये सारी चीजें, यहाँ रहीला भी यही बात, वो भी ये सब इसकी पेड़ आप लोगों को पता चल गया था, इसलिए इसी पे आज सारा दिन मैं भी यही डिस्कस कर रही थी। जबरदस्त, सबको जा रहा था कि आज हमने ये है ना, आपको टेलीपैथिकली पता चल गया था कि आज का ये माशाल्लाह आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। और बाकियों को भी जिनको इनके बेनिफिट्स, काफ़ी मैंने कोशिश की है कि चीज़ें कुछ ना कुछ क्लियर कर सकूं जो कि इसके बेनिफिट्स और बाकी चीज़ें। तो लिविंग योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, टुडे इज डिवोटेड टू थैंकिंग लाइफ फॉर ऑल इट्स मेनी गिफ्ट्स एंड लर्निंग हाउ टू लिव विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एवरी डे। हम जो सीख रहे हैं, हम जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसका भी कितने हम शुक्र गुजार हैं कि हम अपने बिल्कुल लेजर टाइम में, ना हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ रहा है, ना हमें बहुत ज़्यादा अफोर्ड करनी पड़ती है, हमारे जो हमारे व्हीकल्स चार्जेस हैं वो नहीं है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं है, हम कितने इसके कितने थैंकफुल हैं कि मैं और आप बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को, हम एक दूसरे के साथ बात करके लर्न कर रहे हैं, ये कितना अच्छा। मतलब अगर हम थैंक ग्रेटिट्यूड की तरफ आए ना, तो छोटी सी छोटी चीज़ लें तो फिर हमारे पास शुक्रगुजारी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी शुक्रगुजारी बढ़ती है उतना ही वापस जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो आज के दिन हम ये सीखेंगे कि शुक्रगुजारी क्या है और कैसे कैसे करनी चाहिए। तो देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, मेरी इस पे वीडियो भी है, मैंने आप लोगों को शेयर भी की थी, तो मेरे ख्याल से देखी नहीं लोगों ने भी, जो थी इमोशनल फ्रीक्वेंसी। तो
आज मैंने ये दोबारा से चार्ट भी इसलिए लगाया कि हमें ये पता चले कि जब मेरे ये इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब अभी तो स्टेप है, तो हम इनसे सीख सकते हैं कि देखें मेरा अगर कौन सा इमोशन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या। अच्छा, उसमें मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि एक स्केल होता है, कौन सा जो साइंटिस्ट है जिसने ये स्केल किया है कि जिससे हमारी साउंड भी जो है ना वो एनर्जी है, हमारे जो इमोशन जज्बात हैं उनकी भी एनर्जी, ये सारी एनर्जी और ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, जो हम जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन जो है ना वो पैदा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस तरह मैयर की गई। एक आम पर्सन तो ज़ाहिर कहेगा ये क्या बात हो रही है, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह 21 डेज़ में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी और आपको समझ आ रही है कि ये क्या बात हो रही है। तो इसमें देखें, वैसे तो डिटेल में मैं शेयर कर दूंगी, खुद ही देखिएगा कि ये जो हमारा इमोशनल फ्रीक्वेंसी है तो जो 250 है ना, इससे नीचे जितनी भी है वो नेगेटिव है हमारी फ्रीक्वेंसी, उसमें हम जो है ना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। और जो 250 से ऊपर जा रहा है तो 300-310 पे जो है ना विलिंगनेस स्टार्ट हो रही है, 400 पे रीज़न और होप ऑप्टिमिज्म और यहाँ से पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है, 500 पे लव एंथ्यूज़म हैप्पीनेस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बिलीफ। हम देखें कि हम मोस्ट ऑफ द डे टाइम पे हमारा इमोशन कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा होता है। अब जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, अप्रिसिएशन, लुक एट दिस ग्रेटिट्यूड 900। अब उसका ये वो इसकी जो मेजरिंग जो इन्होंने स्केल पे किया हुआ है तो उसका 900 है। और गॉड कॉन्शियसनेस के जब इंसान अपने अंदर से सब कुछ ख़त्म कर लेता है और सब कॉन्शियस में भी कॉन्शियस लग जाती है तो वो 1000 पे वाइब्रेट कर रहा होता है इंसान। उस इंसान के साथ जाके और उस इंसान की बातें सुन के इंसान पूरा का पूरा पॉजिटिव खुद भी हो रहा होता है, वो खुद इंसान जो होता है वो 1000 पे बीट कर रहा होता है। अब ये देखें कि ग्रेटिट्यूड, फ्रीडम, एम्पावरमेंट, जब हम किसी का शुक्र अदा करते हैं तो उस इंसान को भी और हम खुद जो इंसान शुक्र अदा करता है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इमोशन है वो कितनी हाई है। तो ये सबसे हाई जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटिट्यूड की है। तो हमें ये आज से पता चल गया, तो हम जो शुक्रगुजारी का जर्नल लिखना, शुक्रगुजारी जो हर एक चीज़ का शुक्र अदा करना, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमने ये साइंटिफिक भी देख लिया कि शुक्र अदा करना, तो फिर तो पकड़ पकड़ के लोगों का शुक्र अदा करेंगे कि ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो बाकी ये जो नीचे वाले सारी चीज़ें हैं वो खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें फिर ये देखें स्केल है कि हाई वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी, इनलाइटमेंट की 1000 पे है ये ग्रेटिट्यूड, ये अलग दूसरा स्केल है उन्होंने। ये स्केल के भी अलग अलग वो चीज़ें मेजर करने की, किसी ने हर्ट्ज़ है, कुछ नैनोमीटर है, जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के लोग हैं उन्हें ये जो स्केल्स और इनकी जो किस तरह से मेजरिंग हुई है क्या वो डिटेल में पता है, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनानी थी और मुझे ये खुद समझ आई कि अच्छा इमोशंस ऐसे हैं और ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना वो सीखा था कि ये क्या है, और डिटेल में मैंने पूछा था कि ये जो डॉक्टर डेविड हॉकिन है तो इन्होंने कैसे जो है ना इसको मेजर किया और ये कैसे हो सकता है और ये क्या चीज़ें हैं। तो वो एनाटॉमी ऑफ कॉन्शियंस के थे, फिर उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि ये इस तरह से ऐसे होता है और इस तरह मेजर होता है और इस तरीके से, वो तो स्केल पूरा मैंने समझा कि किस तरीके से मेजर हुआ, क्योंकि जब मुझे खुद कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो मैं आगे किसी को क्या समझाऊंगी। तो बेसिकली इस टाइम तो ज़रा हमारा टॉपिक अलग है, वो इमोशनल फ्रिक्वेंसी नहीं है, लेकिन मैंने समझने के लिए कि हम इसको जब लॉजिकली समझ लेंगे कि इसका फ़ायदा कितना मुझे, तो मैं इस हैबिट्स को अपना लूंगी। मज़ीद अगर इस पे जानना हुआ तो फिर वो थोड़ा सा वीडियो में बताया किस तरीके से। बेसिक चीज़ यह कि हम अपने जब भी लो फील कर रहे हैं, देखें गिल्ट और शेम जब हम फील कर रहे होते हैं उस वक्त कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 0 पे इंसान होता है, वो क्या काम कर सकता है। वही जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि एनर्जी अगर किसी के पास 10 किलो है तो उसकी एनर्जी कम हो गई। अब जब इन हालात में हम इधर लगे होते हैं तो सारी एनर्जी हमारी कहाँ चली गई। अब फियर है तो उस 100% तो फियर 100 जो है ना उसमें चले गए। तो ऊपर जाएंगे तो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होगी कि हम हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, नीचे जाएंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी। ये भी है इमोशनल वाइब्रेशन एनालिसिस चार्ट है, वो वही चीज़ इसमें भी लिखी है, इसमें वो सारी चीज़ें।
मैं अक्सर इसी लेक्चर्स के दौरान बहुत दफ़ा कहा है कि अल्लाह ताला ने दोनों टाइम दिए हैं, जिसमें कहते हैं कि अल्लाह ने अगर हमको आपको अच्छा टाइम दिया तो उसमें भी शुक्र करें कि आप हम एक गेस्ट हाउस हैं, जो खुशी आई है तो भी उसको सेलिब्रेट करें, गमी आया तो उसको भी सेलिब्रेट करें, कोई भी चीज़ आई है तो उसके साथ हम जो है ना उसमें ही ना चले जाएँ। तो इसमें देखें कि एक एक्सपेंशन है और एक कंट्रैक्शन है। तो एक्सपेंशन में फैलता है, जब फैलता है तो ये देखें इनलाइनमेंट है, जॉय, तो ये नेचर है कि इंसान कभी ना कभी वो ना कंट्रैक्शन में भी जाता है। कंट्रैक्शन है तो ये नीचे वाला देखिए, ये नैरो है, ये सारी चीज़ें ग्रीफ, एंगर, फियर, एपथी, गिल्ट, शेम, ये सम टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं कि उस टाइम भी अल्लाह ताला को हमारी रूह याद कर रही होती है। डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो अब अगर हमें ये पता चला साइंटिफिकली, तो हमने तो ये सीखा है कि हमने खुद को कैसे इन इमोशंस, जो हमारी अंदर की केमिस्ट्री बन चुकी है, अगर मेरे कोई ग्रीफ भी है तो उसको कैसे मैंने ओवरकम करना, कि मैंने अपनी बॉडी को ज़्यादा देर स्ट्रेस में नहीं डालना, कि जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स या कॉर्टिसोल वाला जो रिस्पॉन्स है वो मेरी बॉडी में ज़्यादा देर रहे, क्योंकि उसको निकलने में भी टाइम लगता है। तो वो जब निकलेगा तो बॉडी के साथ जा रहा है, उसके रिएक्शन भी आ जाएंगे। तो अब से हमें अगर पता चल गया ये वाला, देखें कितनी अच्छी और कितनी वैल्यूएबल ये नॉलेज हो गया, कि जब से हमें इन चीज़ों का इलम हो जाएगा तो हम अपने वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हर वक्त हम कॉरेज में रहेंगे, जो खुदा ने दिया उस पर शुक्र अदा करेंगे, जो मैं हूँ, जैसा मुझे अल्लाह ने बनाया, फिर न्यूट्रलिटी, फिर विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीज़न, लव, जॉय, पीस, इनलाइटमेंट। तो क्या ही है, आहिस्ता आहिस्ता हम सफ़र तो ऊपर कर रहे ना। अब आई एम होप, मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों की अब की जो फ्रिक्वेंसी है, कम अज़ कम यहाँ तक तो मैंने लाई है ना, न्यूट्रलिटी तक कह सकते हैं, होप तक कह सकते हैं, करेज भी आपके साथ, ये वाली इधर तक तो आप पहुंच ही गए ना। अब हम पिछले कितने जो चीज़ें उनसे तो निकल आए, तो मुझे आप पे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, प्राइड करती हूँ कि आपने इतने बिजी और इतने टफ और इस तरह के आजकल के जो हजल पसल वाला टाइम और इतने लंबे लंबे एक एक घंटे का लेक्चर, जो कि टेम्परामेंट बन चुका है, नहीं कोई सुनता, और उसमें आप लोगों ने काम किया और आए, तो देखें कि आपने कितने जो है ना वो हायरार्की स्टेप ऊपर कर लिए। तो पहले तो ये रेड जोन को क्रॉस किया, आई एम श्योर अगर किसी का नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर करेगा। फिर देखें एंगर और डिज़ायर का जो जोन था उसको भी हमने काफ़ी हद तक, आप में से काफ़ी लोग हैं जो इसमें से निकल गए, और कुछ काफ़ी लोग हैं जो करेज और प्राइड से भी आगे निकल चुके हैं, एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस और न्यूट्रलिटी। अब ये भी देख लें कि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जब तक हम इमोशनली इंटेलिजेंस हो रहे हैं तो इन चीज़ों पे जो है ना काबू कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अगर कोई नहीं भी इतने तक जा गया तो वो अपने आप को और ज़्यादा करेज में लेके जाए कि मैं ये सब कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और इसके लिए वो आगे से कोशिशें कंटिन्यू करें और अपने आप को लेके जाएँ कि ज़ाहिर इनलाइटमेंट और पीस में। जब इस उस कंडीशन में इंसान आता है ना तो ज़िंदगी की हर चीज़ इंजॉय करता है, और वो उस इंजॉयमेंट का वो आप सुकून और वो आप फीलिंग्स जो है ना आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और इस स्टेज पे आप जो लोग जा चुके हैं और जा रहे हैं वो देखेंगे कितना अच्छा। अब ये देखें, ये स्केल ऑफ इमोशनल विद डिफरेंट, वो इस तरह से जिस तरह से ECG होती है देखें, वो तो बहुत कॉमन है ना, इसी तरह EEG होती है, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी अब इतनी साइंस ने डेवलपमेंट कर ली है कि हर चीज़ का जो है ना वो जो कि हमारे उसमें भी था रिलीजन में, वो साइंस प्रूफ दे रही है और हर चीज़ का एविडेंस मिल रहा है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सारी इस तरह से स्केल में ये हुआ हुआ है, तो ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए किया। ये देखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशन, ये HZ जिसको ये डिफरेंट टर्म वो होती हैं जिस जो मेजर करने के लिए यूनिट्स जो मैथमेटिक्स मेजर की जाती हैं, तो उनकी जो यूनिट्स होती हैं उसके लिए ये यूज़ की जाती है। आप में से अगर किसी को मैथ, फिज़िक्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो बड़े अच्छे से इनकी जो ना वैल्यू कैलकुलेशन कैसे हुई है, किस तरह हुई है, वो समझ लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं कि आज जो है ना, अब आपने देख लिया कि जो प्रॉस्पेरिटी और ग्रेटिट्यूड है वो साथ साथ चलते हैं, खुशहाली तभी आती है जितना हम जो है ना शुक्र गुजार होंगे। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू बी वन विद यूनिवर्सल विजडम एंड बैक्ड बाई यूनिवर्सल पावर। जो भी हम कायनात में और अल्लाह ताला की दी हुई जितनी चीज़ों को हम उसका थैंकफुल होते हैं, जितनी चीज़ों का वो वापस हमें मिलती हैं,
और ये नोटिस हुआ कि यूनिवर्स जो है वो ग्रेटिट्यूड से बहुत प्यार करती है। अभी ये चीज़ें हमने खुद प्रैक्टिकली भी नोटिस ले ली हैं कि जितना हम किसी भी चीज़ का शुक्रगुजारी में गुजारते हैं उतना ही हमें वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। इस तरह से आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब आपने किसी चीज़ का शुक्र अदा किया हो, किसी पर्सन का भी किया हो, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ का, लोगों का, किसी जगह का, तो आपको आपने देखा होगा कि वो उनको कितना अच्छा फील हुआ। तो जब किसी को अच्छा फील होता है तो अल्टीमेटली हमें भी अच्छा फील होता है। तो फिर जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसी चीज़ जो हम एनर्जी भेजते हैं वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। तो आज से ये सोचें कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो बांटना शुरू कर दें। बड़ी दफ़ा ये वाली सेइंग तो कोटेशन आप सबके पास से भी गुजरी होगी कि आपको जो चाहिए वो देना शुरू कर दें। लेकिन आज के बाद आपको अच्छी तरह से बिलीव हो जाएगा, आपका जो बिलीव सिस्टम है वो आज ज़रूर चेंज होगा कि देने से वाकई चीज़ बढ़ती है। अब अगर हम किसी का शुक्र बढ़ाएंगे तो हर चीज़ वापस लौटेगी, दूसरे भी हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। तो जो चीज़ भी हमें चाहिए हम उसको देना शुरू करें और जो देने से वापस आएंगी चीज़ें, और आप करके देखिए एक दफ़ा। आप यू नो हाउ ग्रेट यू फील व्हेन योर लाइफ इज़ फील्ड विद लव एंड जॉय एंड हेल्थ एंड क्रिएटिविटी एंड यू गेट ग्रीन लाइट्स एंड पार्किंग प्लेस। दिस इज़ हाउ आवर लाइफ्स आर मेंट टू बी लिव्ड। दिस इज़ हाउ आवर लव लिव्स कैन बी इफ वी आर ग्रेटफुल। द यूनिवर्स इज जेनरस अबाउंडेंट गिवर। कायनात, अब देखें एक जो बीज लगता है किसी भी प्लांट का, वो वापस कितने दे रहा है, कितने फल लग रहे हैं। एक बीज लगाना तो उसका एक प्लांट बना, प्लांट से अब उसके जब वो बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, तो उसके अंदर जो उसके फल लगे, आप देखें कि एप्पल की सोच लें, मैंगो देख लें, और कुछ तो ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनके एक एक फल के अंदर इतने इतने बीज होते हैं। अब वो वापस कितना दे रहा है यूनिवर्स को, हम एक थोड़ा देना वो डबल करके वापस देती है, हज़ार गुना देती है, दस गुना देती है। तो जिसका ये भी है कि अल्लाह कहता है मेरी तरफ एक कदम आओ तो मैं दस कदम आता हूँ। अब एक हमने एक प्लांट के लिए एक बीज दिया ज़मीन को, उस ज़मीन ने, उससे हम सीखें कि उस ज़मीन ने उस प्लांट के अंदर वो जब दोबारा ग्रो हुआ तो उसने कितने ज़्यादा एक फल में फिर कितने बीज दे दिए, फल कितना ज़्यादा दे दिया। तो ये एग्जांपल्स हैं कि यूनिवर्स डबल ट्रिपल करके हमें कायनात लुटाती है और हमें जो है ना उसका शुक्रगुजार होना है। और इसी तरीके से जो अब अपनी ज़िंदगी में जो मिल रहा है उसके शुक्रगुजार हूँ। एक चीज़ ये भी होती है कि हमारा बाई डिफ़ॉल्ट माइंड ऐसे ही प्रोग्राम है, इसीलिए तो पूछा जाएगा कि जो कॉन्शियस है और कॉन्शियसली हम उन चीज़ों पे फोकस करें, जो नॉलेज है उस नॉलेज से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए लें। ज़्यादातर नॉलेज तो हम जाहिर है हायरार्की ऑफ डोमिनेंसी के लिए ले रहे हैं कि हम दूसरों को बता सकें, कि हम दिखा सकें, चाहे वो अनकॉन्शियसली हो कि मेरे पास कितना इल्म है। लेकिन नॉलेज वो हम जो ले रहे हैं उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आज तक कोशिश की जाए कि मैं जो भी सीख रहा हूँ पहले मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ, और जब मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकूँ तो मैं दूसरों को दिखाऊँ, दूसरों को भी सिखाऊं। इसका मतलब वही है कि जो लग्जरीज, ये भी एक कोटेशन है कि जो लग्जरी आप सेल करने जा रहे हैं उसके पहले आप यूज़र हों। तो हम जो भी इलम सीखें उसको पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। हम ये करते हैं कि जो चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड में ऐसा है कि जो नहीं होती ना, तो इनकम्प्लीट को गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कहते हैं। हमारा माइंड ऐसे करता है कि जो इनकम्प्लीट है उसको कम्प्लीट करने की कोशिश करता है, वो उसी चीज़ पर फोकस करेगा जो कम्प्लीट नहीं है। तो जब हमें ये चीज़ पता चले तो हम कॉन्शियसली अपने आप को, अपने कॉग्निटिवली खुद से क्वेश्चन करें, और हम जो है ना जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें हैं वो अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो हम उसकी तरफ शिफ्ट कर लें कि जो है मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारा फोकस चला जाता है जो नहीं है, तो जो चीज़ें हो रही हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं जिन पे हम शुक्रगुजार हों और उनको इंजॉय करें, हम उनको नहीं कर सकते क्योंकि फोकस शिफ्ट हो जाता है। और फोकस का हमने देखा कि जिधर पे फोकस गया उधर हमारी एनर्जी चलेगी। तो अब उसको जब तक हमने डेलिब्रेटिव वापस ना लाया तो फिर हमें तो समझ नहीं आएगी। फिर वो चीज़ें जिसको हम इंजॉय करना कर सकते थे और करना चाहिए था उसको छोड़ के हमने फोकस वो कर दिया जो नहीं था। तो लैकिंग तो ज़्यादा दुनिया कम्प्लीट है ही नहीं, चीज़ें तो ज़्यादा
जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, इससे बेहतरीन हल यह है कि हम अपनी कमियों को, जिस जो ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ नहीं है, लैकिंग को छोड़ के जो अबाउंडेंस है, जो है कसरत के साथ, उसको इंजॉय करें। तो ये जब इंजॉय करना शुरू करेंगे तो वही ग्रैटिट्यूड से फिर खुदा के शुक्र और बंदू का शुक्र, चीज़ों का शुक्र वो बढ़ जाएगा। इसको इस सिनेरियो को मैं आपको ऐसे एक बात बताऊं कि शुक्रगुजारी ना करने के और करने से क्या वो है, तो मैं एक सिनेरियो बताऊं कि अगर आप किसी अपने पर्सन, अपना कोई दोस्त है, तो उसको अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो सम टाइम अगर आप वो ये कह के छोड़ो, क्या ज़रूरत थी उसका, अगर बताने का स्टाइल हो कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये चीज़ें तो कभी भी पसंद नहीं आती, आपने जो मुझे दी हैं तो ऐसा, आप मुझे ये जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी या मुझे पसंद नहीं, आपको कैसा लगेगा? आप दोबारा उस पर्सन को कोई चीज़ देंगे? आप थोड़ी देर के लिए सोचें ना। हाँ, और दूसरा सिनेरियो लें कि एक पर्सन जिसको अपने, आपका कोई दोस्त है, उसको आपने गिफ्ट दिया और उसने, वो इतना खुश हुआ, उसने आपको अप्रिशिएट किया, उसने आपको थैंक यू बोला, और अब दोनों सिनेरियो में आप किसके पास दोबारा जाएंगे? जिसने ज़ारा गिफ्ट लिया और आपको थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से नेचर भी, हम जितना उसको वेलकम करेंगे और उसको उसका थैंक यू बोलेंगे, वो हमें डबल करके ही देगा। इसी सिनेरियो में हमने देखा कि हमने जब किसी दोस्त को दिया और उसने नहीं एक्सेप्ट किया, या उसने कह दिया मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम दोबारा उसको नहीं देंगे। तो आज से हमने ये चीज़ सीख लिया कि हमने हर चीज़ का, हमारी तरफ जो चीज़ भी आ रही है, हमने उसका थैंकफुल होना, और जो है ना, कायनात को हर लम्हे, हर दिन जो है ना, हमने ग्रैटिट्यूड में रहना। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसको फील करना है, और फील करके जब करते हैं ना, तो वो जैसे मैंने बताया, पूरी बॉडी नहार ही होती है, वो जो इमोशनल फ्रिक्वेंसी 900 बताई है, तो उसमें कितना अच्छा फील हो रहा है। और जब अच्छा फील हो रहा है, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ताला का अदा करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो भी कभी ना कहीं ना कहीं उनके अंदर एनर्जी है, उनको भी हम बोलेंगे, तो ये हमारे फायदे के लिए है। अब मैं काफ़ी अरसे से पहले मैं भी ऐसे करती थी, और जब से मुझे ये पता चला है कि जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे, या आपको कोई चीज़ दे, या गिफ्ट दे, या कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करें और उसको थैंक यू बोलें, और ख़ुशी के साथ और प्लेयर के साथ उसको करें। तो इसी तरीके से मैंने ये बात जो है ना ख़ुद सीखी है, और जो लुई हेस का ये कोर्स है, इसकी बुक है, उसमें भी ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी है, कि हमें जो है ना कोई जब कोई चीज़ दे, लास्ट लेक्चर भी मैंने कहा था, तो उसको हम एक्सेप्ट करें और जो है ना उसका शुक्रिया अदा करें। समटाइम देखें, हम कभी किसी को गिफ्ट दें या कोई सैलरी दें या कुछ, तो जो लोग होते हैं तो वो आगे से कभी उसकी हेल्प आउट भी करें, तो आगे से वो ये कहते हैं नहीं रहने दें, क्या ज़रूरत थी। तो उनको भी हमने ये बताना है कि आप एक्सेप्ट करें और थैंक यू बोलें। तो इसका मतलब है, जब हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी तरफ फिर बढ़ के आएगी। तो इसी तरीके से हमने अपने जो सबऑर्डिनेट हैं या हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमने सबको बताना है कि हमें अगर कोई चीज़ कोई देता है, तो हम खुले दिल को एक्सेप्ट करें और उसका शुक्रिया अदा करें। वो शुक्रिया जो है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो लोग भी हो सकते हैं, वो जो है ना कोई मतलब आपके जॉब में पर्सन हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकते हैं, हमने सबका शुक्रिया अदा करना। और रात को सोने से पहले, दिन भर में हमें जो चीज़ें मिली, उनका हमें शुक्रिया अदा करना है। सोने से पहले हम एक दफ़ा से, एक तो हमारा ये जा रहा है वैसे भी एंड होने वाला, लेकिन हमने इसको हैबिट बनानी है कि रात को सोने से पहले हमने एक रिव्यू करना है। रिव्यू में हमने जर्नली देखना है कि आज मैंने, मुझे क्या क्या अच्छा मिला। जब हम ये डिज़र्विंग का सोच रहे होते हैं ना, उस लिए हम जो मिल रहा होता है, तो हम सोच रहे होते नहीं, ये तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है ना, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए था। फिर जो मिला था ना, हमने उसको भी इंजॉय नहीं किया और उसका भी थैंकफुल नहीं हुई। तो जो जो चीज़ें अच्छी मिली, उनका शुक्रगुजार हूँ लिखें भी। जिस जिस बंदे का हमने शुक्रिया अदा करना, उसको इमेजिनरी तौर पर करें, हो सके तो लिखें उसको, लिख के और अपने जर्नल बनाएं कि उसमें रोज़ाना रात को ग्रैटिट्यूड लिख के लिखें।
तो ये जब आदत बनेगी एक, तो उसके साथ दूसरा काम ये हो जाएगा कि हम से जो सही नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे के लिए हम अपने आप को अफर्मेशन देके प्लानिंग दे कर देंगे कि कल से जो आज मैंने ये नहीं, ये ठीक मेरे से ये एक्ट सही नहीं हुआ, मैंने कल से बिहेवियर ये वाला नहीं करना। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारी, जो कि हम खुद छोड़ना भी चाह रहे हैं, तो जब अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे रात को सोने से पहले शॉर्ट सा जो है ना हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, तो एक तो शुक्रगुजारी बढ़ जाएगी और दूसरा हमें आदत बढ़ जाएगी कि जो हमसे गलत या जो हम नहीं चाहते वो वाला जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम किसी दूसरे लोगों के साथ जो है ना शुक्र अदा करते हैं, तो वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं ज़िंदगी में जो काम करने वाले हैं, उनको हमें ज़रूर उनका ग्रेटफुल होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। वो चाहे सेल्स वाले लोग हों, क्लर्क हों, वेटर है, पोस्टल वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और कोई परफेक्ट स्ट्रेंजर भी है समटाइम गुजरते हुए जो कोई ना कोई छोटी सी हेल्प कर देता है। तो हमें हर सूरत में दूसरों को ऐसे मतलब सिर्फ वर्ड नहीं होने चाहिए कि हमने सिर्फ एक रटावा जैसे आजकल बोल देते हैं थैंक यू, हमारे दिल से, हम दिल से जब बोलेंगे तो हमारा जो है ना वो ग्रेटिट्यूड होगा कि हम दिल से उस बंदे के शुक्रगुजार हूँ। एक लफ्ज़ी हमने जिस तरह से मैनिपुलेशन के लिए बोल दिया कि ठीक है हमने किसी से काम लेना है, उसके साथ बड़े मीठे अल्फाज बोल दिए और फिर उसके साथ काम लेके तो फिर थैंक यू बोल दिया, ये नहीं, हमने बिल्कुल दिल से थैंक यू बोलना है, दिल से जो है ना ग्रेटफुल होना है, ताकि जो हमने दिया है हमें वापस वही मिले। तो इसमें मैं थोड़ी सी एग्जांपल भी शेयर करूंगी। पहले तो ये वाली अफर्मेशन जो है ना आज हमने जो अफर्म करनी है तो वो ये है कि आई जॉयसली गिविंग टू लाइफ एंड लाइफ लविंगली गिव्स बैक टू मी। आपके पास भी काफ़ी सारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी एग्जांपल होंगी, वैसे वो आगे आएगा लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा याद आ गया तो मैं थोड़ा उससे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि शुक्रगुजारी इतनी होनी चाहिए ना कि जो भी अल्लाह ताला ने दिया। मैंने देखा बड़ी बहुत करीबी मेरे रिलेटिव, जब उनके बच्चे ऐसी सैड सिचुएशन है कि उसमें कोई भी बंदा शुक्र के अल्फाज नहीं अदा कर सकता, तो उनके बेटे का रोड एक्सीडेंट में सडन डेथ हुई, दो बंदे थे, छोटा बच्चा 18 ईयर्स का कंप्लीट हुआ, कुछ शायद 6 या 5 मंथ ऊपर हुए, तो कितना यंग बच्चा होता है और उसकी सडन डेथ हुई। मैंने उनके पेरेंट्स को, स्पेशली उसके फादर को देखा, वो शुक्र अदा कर रहे थे, उनके वो बार बार ये देख रहे थे कि मेरे से कोई कुफ्रिया लफ्ज़ ना निकले। पीक ऑफ ग्रीफ है, इससे बढ़ के कि औलाद यंग किसी की डेथ हो जाए तो कितना मुश्किल वक्त है कि बंदा उस वक्त भी सोचे कि जो हमारे असल ज़ाहिर है हमारे जो हमें दीन सिखाया गया उसमें कितना सब्र बताया कि सब्र जब आप किसी पीक के ऐसे गम की पीक पे करेंगे तो उसका आपको अजर डबल है। अब साइंस ने उस पर बता दिया इसके पीछे क्या है, और इसके पीछे ये है कि जब 3 दिन तक इंसान शॉक में चला जाता है, ग्रीफ की पहली स्टेज जो है वो शॉक है, और जब जो शॉक होता है तो उसमें होता क्या कि इंसान का दिमाग किसी डैमेज से बचने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट उस स्टेट में चला जाता है जब बच्चा होता है 7 साल का, वो फंक्शन काम कर रहे होते हैं जो 7 साल के बच्चे के फंक्शन, खाना पीना उठना मतलब जैसे भी, उस स्टेज में इंसान का दिमाग चला जाता है। 3 दिन के बाद जो कहा जाता है कि 3 दिन का सोग मनाएं, 3 दिन के बाद ना करें, जोड़े तो साइंस दोबारा जाके उसी चीज़ पे पहुँच दिया जो हमारा सब कुछ हमारा दीन सिखाता है। 3 दिन का यही कहा गया कि सोग बनाए, 3 दिन के लिए कहा नाराज़गी ख़त्म करें, उसमें ये देखें कि जो दिमाग का जो मोड है तो उस मोड को वो दोबारा से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ग्रीफ आया, शॉक हुआ, शॉक में दोबारा वो बचपन की 7 साल का दिमाग बन गया। तो देखें कि कितनी ऐसी चीज़ है कि ऐसी स्टेज में भी रब का शुक्र अदा करना कि कहीं खुदा नाराज़ ना हो जाए, कि वो पीक स्टेट है कि अल्लाह ने इम्तहान तो ले लिया
और इस इम्तहान में मैंने अगर कोई कुफ्रिया या मैंने ऐसे अल्फाज बोले कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मैंने अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह तो है ही नहीं, ऐसा है बस, कितना हम कर देते, कितना बड़ा नुकसान है। इससे बढ़ के हमारे तो छोटे छोटे नुकसान ही हो रहे हैं ना। ज़िंदगी तो है ना, जब ज़िंदगी होती है तो चीज़ें वापस सब आ जाती हैं। तो मैं ख़ुद भी वहाँ ज़ाहिर है करीबी रिलेटिव है, तो जब मैं भी वहाँ ऐसे थी, मैं भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि रियलिटी और ज़िंदगी की हकीकत समझ आई हुई है, और बहुत करीबी करीबी रिश्ते जो हैं ना उनकी डेथ देखी हैं। तो उस लम्हे मैं भी एक दफ़ा मैं ये कह रही थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे उनकी जो रिलेटिव वो कहेंगी कि ये देखो ये तो शुक्र अदा कर रही है। फिर मैंने अपनी आवाज़ नीचे कर ली कि कोई हमारे से कुफ्री अल्फाज ना निकले। तो खैर मैं खुद भी हम गुनहगार हूँ, मैंने तो एक थोड़ा हमेशा बताती हूँ, कभी मुझे ये पता चला कि ये सही रास्ता है, जो कि दुनिया हमारा टेस्ट है, और इसके बाद जो है ना आखिरत की दुनिया जो है ना वो परमानेंट दुनिया, तो उसके लिए थोड़ा सा भी समझ आया कि कोई दूर कहीं ये एक तो रास्ता जाता है जो आगे जाके सही रास्ता बने, वो इतनी सी समझ आई है। और उसी विजडम के तहत मेरी कोशिश है कि जितनी मुझे समझ आई है मैं दूसरों को भी समझाऊं कि एक्चुअल ज़िंदगी हम कुछ भी कर लें, माइकल जैक्सन ने कितना कुछ किया कि मैंने जीना है 200 साल 150 साल कुछ भी नहीं, सर्जरीज इतनी करवा ली, आइडेंटिटी चेंज करवा दी, पेरेंट्स के साथ उसने लिंक ख़त्म कर दिया कि उसने सर्वाइव करना, वो इतनी सर्जरीज हुई, इतना कुछ हुआ, कोई पेन किलर लेता था, और आप सबको मुझसे हो सकता है मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन देखें वो क्या हुआ इवेंचुअली, 50 पता नहीं कितनी ईयर्स का था और उसकी डेथ हो गई। तो हमने वो करना है जो हमें यहाँ भी मिले, और ऐसे काम करने हैं जिसका हमें आखिरत में भी मिले। कोई ना कोई अल्लाह हर हर दीन को समझने वाले अल्लाह पे यकीन रखते हैं, और दूसरी मतलब इस ज़िंदगी के बाद की। तो हम क्या हुआ, हम रोल के साथ अटक चुके हैं, हमें जो नहीं मिला उसके पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी कहानियाँ इसमें कि इंसान जब को इंसान को मिलता है ना, तो वो उसको अगर 19 एक बादशाह की कहानी भी उसने अपने किसी उसको भेजा वज़ीर को कि ये मेरे फ़लाँ वज़ीर को जो है ना 99 जो है ना अशराफियाँ देखे हो। अब क्या हुआ, जब उनको मिली उनको खोल के गिनने लगे दोनों मियाँ बीवी, उन्होंने उस 99 को एंजॉय नहीं किया, सारी रात उन्होंने एक को ढूंढने में गुजार दिया कि कहीं ज़रूर जाते उसने ले लिया या उसने गिरा दिया। तो हमें जो हमारे पास है ना उसको अगर हम एंजॉय करेंगे ना तो बहुत है। फोकस हमारा जिस तरफ जाएगा वही मिसाइल बनेंगे। हम अपनी किए कि अपनी सोच की अपने एक्शन के ज़िम्मेदार हैं हम दूसरे के। हम जब बोलेंगे समझदारी से कि ये वर्ड किसी पे गलत इम्पेक्ट ना डाले, मेरे जो सेंटेंसेस हैं वो गलत उसका जू मीनिंग डबल मीनिंग ना हो, जब डबल डबल मीनिंग बोलेंगे तो उसमें हमें खुद भी पता होना चाहिए कि इस तरह से। जब हमने अपने वो चार गेट से, मौलाना रूमी ने कहा चार गेट से अपनी जो है ना बात को निकालो, क्या खामोश रहने से खामोशी तोड़ने से बेहतर है मेरा बोलना, क्या ये बात करना इतनी ज़रूरी है। तो हम जब पहले से अपनी इन सारी चीज़ों से जो है ना वो छानबीन करके बोलेंगे तो फिर हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, और हम जो है ना अपने किए का ज़िम्मेदार होंगे, और फिर दूसरे जो कर रहे हैं उस वो खुद उनके होंगे। टॉपिक थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन असल में चीज़ ये थी कि जो हमारा ग्रेटिट्यूड है कि जो हमें मिला है हमने उसका शुक्रगुजार होना है। शुक्रगुजारी पे जितना बोला जाए मेरे ख्याल से उतना कम है। और इसका मज़ा और इसका जो मैंने अभी स्लाइड में दिखा दिया कि इसकी इमोशनल फ्रिक्वेंसी जब आप सही मानों में शुक्र अदा करेंगे और इसका आप रिज़ल्ट अपनी बॉडी पे अपने ऊपर देखेंगे, उसके बाद आप आई एम श्योर के मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर करेंगे कि शुक्रगुजारी असल में होती क्या। रोज़ाना 100 कदम शुक्रगुजारी के करें, हर बंदे का शुक्रिया अदा करें जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिला, जिस इलम से, उस बैड इवेंट का भी शुक्रिया अदा करें कि उस इवेंट से जो है ना कोई चीज़ तो पॉजिटिव मिली ना, जिससे सीखा। अब कोई अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी चीज़ें आती हैं तो उससे भी तो हम कुछ सीखते हैं, जब हमने कुछ सीखा तो फिर लॉस में तो ना हुए, जो भी इंसिडेंट्स आया ठीक है वो हमें कुछ सिखा के चला गया। तो हर हाल में शुक्रगुजार ही रहें। तो आज का जो डे 19 मिरर वर्क है उसमें पहले नंबर पर जो है व्हेन यू फर्स्ट अवेक
जब हम सुबह मॉर्निंग पे उठते हैं अपनी आंखों पे हाथ रखते हैं, और इसमें वैसे भी इजहार है, साइंटिफिक भी है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें अपने आप को, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें अपने बेड को। ये शायद पहले भी एक दफ़ा मैंने किसी उसमें आ गया था, तो ये वाली चीज़ पहले भी शेयर हो चुकी है कि उस बेड का भी शुक्र अदा करें। फिर आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वार्मथ एंड कम्फर्ट यू हैव गिवन मी। ये बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि जहाँ पे हम सोए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों के मौसम में हीटर गर्म कमरा होता है, गर्मियों के मौसम में हमें एसी मिलता है। अपना नाम ले, उस चीज़ का नाम ले, उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये हमें ब्लेसिंग दी। अच्छा, एक दफ़ा किसी एक बंदी ने, बहुत पुरानी बात है, उसने कहा कि मुझे ना, उसने बात सुनाई कि मेरी जो ना नेबर है ना, उसे फ्रिज बहुत पुरानी इजारा मेरी, काफ़ी जब मैं यंग थी उस टाइम की बात है, तो कहती उसको फ्रिज मिली तो बहुत खुश थी कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। तो वो हंस रही थी कि ये क्या ब्लेसिंग है, ये भी कोई ब्लेसिंग होती है, ये उसकी ब्लेसिंग के टाइप में आती है। तो मैंने उसको समझाया कि ये जो भी चीज़ हमारी इजारा हमें कम्फर्ट करती है, हमारी प्रॉस्पेरिटी में इंक्रीज़ करती है, तो वो हमारी ब्लेसिंग है। और देखें वाकई जो चीज़ें हैं तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग ही है ना। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ रहने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए हमें अल्लाह ताला ने जितनी जितनी चीज़ें मिली हैं, हम उनका शुक्र, इंसान की नेचर है कि जो मैंने अशरफी की बात की है कि जब उसे 99 मिलती है तो आगे की तलाश में लग जाता है। अगर सोने का एक पहाड़ मिलेगा वो कहेगा मैं इधर जाके एक और ढूंढ के लाऊं। नेचर है इंसान की। तो इंसान ने अपने आप को समझना है कि मैंने, क्योंकि उसको एक जब एक मिली तो उसको खुशी मिली, खुशी मिली सेरोटोनिन रिलीज हुई, तो उसको जो और की जस्तजू हो गई कि अब और एक जब लेवल आ गया तो इंसान उसको बस वो रिसेप्टर खुला और पूरा हो गया, तो अब दोबारा से उसको नए सिरे से फिर से चाहिए। तो जब हमें ये चीज़ पता है तो हम आगे आगे की तलाश में ना रहें, जो है उसी में शुक्र करें, फिर रब देता ही जाएगा, तो उसका जितना हमें देता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे वो शायद मुझे एग्जैक्ट हदीस का वो नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं थोड़ा मफहूम बता देती हूँ कि एक बंदा था, तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे ना अल्लाह ताला ने बहुत दिया, तो अल्लाह ताला से कहें कि मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मैं बांटता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो वो इतना ज़्यादा मेरे पास ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जो शुक्र अदा करते हो, उन्होंने जाके अल्लाह ताला से बात की, फिर उनको वापस जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने कहा मेरे इस बंदे से कहो कि ये मेरा नाशुकरा बन जाए, ये शुक्र इतना करता है तो मैं कैसे नहीं दूँ। तो फिर हमने कोई, देखे रिलेशनशिप का शुक्र अदा करना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शुक्र अदा करना है, जो दौलत है उसका करना है, जो चीज़ें हैं उसका करना है, खुदा ने औलाद दी है उसका करना है, खुदा ने जो वाइफ है वो शुक्र करे कि हस्बैंड था तो मैं बीवी बनी, बच्चे हैं तो मैं माँ बनी। तो हमें नाम भी किसी ने दिया, हम खाम हमें ईगोइस्टिक होके कहते हैं मैं सारा कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं होती, हम कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ तो मेरा नाम तो किसी ने रखा, मेरी पहचान तो नाम किसी ने दी, तो मैं खुद अकेली कैसे मैं बन गई। तो हम इन सब चीज़ों का शुक्र अदा करें, अपने वालदीन का शुक्र अदा करें, हर दिन गाय बगाए हम उनको थैंक यू बोलें, उनको प्यार से बोलें कि आई लव यू, तो कितने फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो इसका मैं कह भी रही हूँ कि शायद मैं जितना भी बोलूँ ना तो इसका वो हक अदा नहीं होगा कि शुक्रगुजारी का कितने फ़ायदे और कितनी चीज़ें और कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर टू पे है, टेक अ फ्यू मोर मिनट टू रिलैक्स इन योर बेड एंड थिंक ऑफ ऑल दी थिंग्स यू आर ग्रेटर। ये सारी चीज़ें हो गई, अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया उसके बारे में सोचें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उठी हूँ, मुझे खुदा ने अच्छी सेहत दी है, मैं अच्छी नींद सो सकी, अपने अपने हवाले से सो सो चीज़ें सोचें। हाँ, इसमें एक चीज़ थोड़ी ये भी बता दूँ कि इंसान जब, ये केमिस्ट्री है बड़ी उसमें, कि जब हम सोते हैं रात को तो उस वक्त कॉर्टिसोल लेवल जो है ना वो पीक पे जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये जो, अल्लाह ने ये बॉडी जो हमारी मशीन बनाई है उसका तरीक़ेकार यही है कि उसको अगर दिन के टाइम पर कॉर्टिसोल, वो क्या करता है, वो दिल को साफ करता है, दिल को जब साफ करता है तो वो कॉर्टिसोल से साफ होता है। तो कॉर्टिसोल आपको पता है कि वो हमारा वो स्ट्रेस हार्मोन है, उसमें बंदा खौफ में चला जाता है और नेगेटिव ज़्यादा होता है, तो वो जब इंसान का मेलाटोनिन सोने का हार्मोन है वो जब पीक पे जाता है तो बॉडी सेंस कर लेती है, और उसके वक्त वो अपनी बॉडी को ऑर्डर करती है कि आप जब ना किडनी से फौरन जितना भी कॉर्टिसोल है वो सारा निकाल के ब्लड में ले, ब्लड में आ जाता है, तो वो सारा का सारा जब इंसान डीप स्लीप में होता है, गहरी नींद में, तो सारा का सारा वो हार्ट के अंदर
फील होता है। इसीलिए रात को इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं, और जो दिन में वो खौफ कम होता है, लेकिन रात को कोई भी खौफ होगा, थोड़ी सी चेस्ट पेन, फौरन हार्ट अटैक, कोई भी दर्द हुई, कैंसर हो गया होगा, कोई भी पत्ता हिला, कोई ना कोई चीज़ है, घर में से अपना कोई नॉक करेगा, नहीं कोई ज़रूर चोर आ गया, क्योंकि उस टाइम सारा कॉर्टिसोल हमेशा खौफ के लिए और डर का हार्मोन है। तो वो इसलिए इंसान जब जो सुबह के टाइम उठता है तो उस वक्त एक तो मेलानिन, जब हम रात को सोना, रात को इसलिए जल्दी चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जैसे ही अंधेरा होता है तो उस वक्त सेंस होता है और हमारा मेलानिन जो स्किन को भी कलर देता है और जो नींद का हार्मोन है वो जो ना ट्रिगर होता है। और फिर उसके बाद सुबह जब इंसान सूरज के निकलने से पहले वो हार्मोन जो है मेलानिन वो भी उस वक्त भी बनने का टाइम है। तो जब उठते ही देर से और साथ ही जब वो जो कार्टिसोल काफ़ी ज़्यादा ब्लड आया हुआ हार्ट में वो भी जो ना 2 से 3 घंटे लगते हैं जब सूरज निकलने तक, उसने देर तक वो जो है ना वो रिलीज़ होता है, ब्लड से ख़त्म होता है। तो अब हम उस टाइम पे हमें पता है कि हम नेगेटिव हैं, जो मैंने यहाँ पे चीज़ जोड़ी है कि हमें पता है कि सुबह उठते ही ज़्यादातर मूड ख़राब होना, उठते हुए तकलीफ़ होना, वो इस वजह से भी हो रहा होता है कि कॉर्टिसल रिलीज़ हुआ हुआ काफ़ी। तो उसमें हम अगर डेलिब्रेटली ये अफॉर्मेशन पॉजिटिवली ऐड करेंगे तो हम कितने हमारे लिए वो जो एक तो दूसरी जो केमिस्ट्री मैंने बताई थी कि अल्फ़ा लेवल भी होता है, तो अल्फ़ा लेवल में जब हम इस तरह की अफॉर्मेशन और जो पॉजिटिविटी जो ग्रेटिट्यूड हम डालेंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी में कितना अच्छा होगा, जो हमारे नेचुरली हार्मोन्स केमिकल्स के अंडर जो चीज़ें सुबह सुबह हो रही होती हैं उनको हम छोड़ के खुद से मैनेज करेंगे कि हम ये बातें जो हमारी पॉजिटिव हैं वो हम बोलेंगे तो हमें मिलेगा भी वही जो कि अल्फ़ा हमारा एक प्राइम टाइम था 1 आवर जो सुबह का, जिसमें पहले भी बात हुई थी, आज मैंने दूसरे पर्सपेक्टिव में बात की है, अगर थोड़ा सा समझ आई है या मज़ीद कन्फ्यूजन है तो बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो उसके साथ ये फिर हमने जो अपने आप को अगर कुछ भी नहीं है तो ये अफॉर्मेशन के नहीं है कि मेरी स्माइल कितनी खूबसूरत है, आई एम ग्रेटफुल टू फील परफेक्टली हेल्दी टुडे, आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ गुड जॉब जॉब टू गो टुडे, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फ्रेंड आई एम गोइंग टू मीट टुडे, ऐसे हैं अल्लाह ताला ने दिया हुआ, किसी ना किसी हमारे एक दोस्त हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, किसी के पास नहीं भी है तो भी शुक्र करेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे पूरे हाथ पांव सलामत दिए, सारे कोई ना कोई रीजंस है जिसके लिए हम शुक्रगुजारी कर सकते। नंबर 4, वेन एवर यू पास अ मिरर टुडे स्टॉप एंड से एन अफॉर्मेशन फॉर समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट, जब कभी दिन के टाइम भी गुजरते हैं तो कोई ना कोई चीज़ याद करें और उस पर आप जो है ना अपने आप को शुक्रगुजार, अपने आप को और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम शुक्रगुजारी के लिए जर्नल भी लिख सकते हैं, मैं एक वो थोड़ी बुक कर रही हूँ प्रिपेयर, जिसमें वो पूरे साल के लिए ग्रेटिट्यूड्स और विजडम उसमें हम जो है ना वो शुक्रगुजारी का लिख सकते हैं और हर दिन हमें लिखना चाहिए, वो मैं आप लोगों को PDF भेजूंगी, वो थोड़ा उस पर भी काम है तो वो किया करें, वैसे अब लिखे जा रहे हैं बुक्स वगैरह तो सबके पास है। पावर इज़ विद इन यू, ये तो हमने देखा कि वाकई हमारे अंदर ही है सब कुछ। 19 डेज की जो जर्नलिंग एक्सरसाइज है, जर्नलिंग एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले है फीड योर एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड एवरी डे, स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, राइट डाउन एटलीस्ट 1 थिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, कुछ भी नहीं आ रहा तो एक तो कोई चीज़ होगी जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, राइट डाउन एवरीथिंग यू आर ग्रेटफुल, फिर जो चीज़ें भी हैं जो सारी हमने पीछे बात बताई है की हैं उसके बारे में लिखें, लिखना लिखने से 70% चीज़ें हो जाती हैं, ये भी एक अलग वो है, अब टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा है, मैंने इसको ख़त्म करना है, जब हम लाइट एक जैसे लोगों के साथ बात करते हैं बताते हैं तो 62% होता है, जब हम सोचते हैं तो 40% होता है, वो चीज़ होती है एग्जीक्यूट होता है, तो जब हम लिखते हैं तो देखें 70-80% वो चीज़ हो जाती है, तो इसलिए लिखना भी ज़रूरी है, लिखने के पीछे ये चीज़ थी कि जब हम लिख के रखते हैं तो वो चीज़ें फिर हो जाती हैं। नंबर 2 पे है रीड इंस्पायरिंग स्टोरीज़ अबाउट द पावर, बहुत सारी स्टोरीज़ है, ये लुई है इसने जो बुक लिखी है उसमें वो कह रही है कि मेरी ग्रेटिट्यूड की बुक है, उसका जो वे ऑफ लाइफ कंटेंट कंट्रीब्यूशन है उसने पेज बताया फ्रॉम 48 ऑफ दी
मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल, उसने लिखा कि जिनको मैं जानती हूँ और उनकी स्टोरीज़ हैं वो आप पढ़ें। फिर इसी तरह से 21 लेसन है भाई, ये एक जो राइटर हैं कैथ डी हार्ल, इन्होंने लिखा कि जो 21 जो लेसन है उनमें काफ़ी लोगों के ग्रेटिट्यूड्स के मुतालिक लिखे हैं, उनको पढ़ें। राइट डाउन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस आर फ्रॉम द लाइफ ऑफ सम ऑफ यू नो। बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको एक लाइफ एग्जाम्पल बताई है कि डेथ के बाद भी उनके ये अल्फाज होते थे कि उनसे कोई ऐसी चीज़ ना निकले, और वो यही बोल रहे थे बस या अल्लाह तेरा शुक्र तूने जैसे रखा। तो ये ऐसी कोई आपके इर्द गिर्द भी आपने देखा होगा तो इस तरह की चीज़ें लिखें कि ऐसा आपने कहीं देखा, कोई शुक्रगुजार बंदा आपसे टकरा, आपको मिला। तो हार्ट थॉट ऑफ डे 19 की, आई गिव एंड रिसीव गिफ्ट ग्रेसियसली। जो मैंने पहले भी बताया कि हमने आज के बाद देना भी है खुशी से, लेना भी है खुशी से, और उसमें ये सोचना है कि नहीं दूसरा क्या कहेगा कि इसने मुझे दिया। कोई चीज़ दे खुशी से लें, कोई ना कोई दे रही है तो वो भी खुशी से दें। आज की मेडिटेशन है लाइट हैज कम, ये उसमें मैंने जो है ना एक्सरसाइज जो मेडिटेशन है उसमें पढ़ी भी हुई है, और इसकी बाद में मैं भेज दूंगी, आप पढ़ भी लीजिएगा। है तो वही चीज़ें जो उधर बोली होती हैं यहाँ भी होती हैं, लेकिन मैं साथ साथ यहाँ भी बताती हूँ। अच्छा, अब देखें कि ग्रेटिट्यूड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, अ हैप्पियर यू, फिजिकल बेनिफिट, अ फिटर यू, सोशल बेनिफिट, अ बेटर यू। अब ये देखें कि ग्रेटिट्यूड्स के अब आगे ये तीनों जो है ना वो इनके इसके फ़ायदे तीनों पर्सपेक्टिव में, तीनों एरिया में इसके फ़ायदे ये हैं। अब फ़ायदे जो है ना ये भी मैं भेज दूंगी, खुद ही पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स ये भी मैंने रखे हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ये भी बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, ये भी वही चीज़ें हैं, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, क्योंकि एक्सप्लेन करने का फिर टाइम कम है, आपके कोई क्वेश्चन भी होंगे। सेल्फ केयर चेकलिस्ट है, ये चीज़ें मैं आपको भेज दूंगी। 5 वेज टू हैंडल नेगेटिव थॉट्स, ये भी ग्रेटिट्यूड्स का जोर भरें इसको लिख लिख के और अदा कर करके। चलें जी, अब कोई क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर चीज़ें एक्सप्लेन करने लगी तो टाइम काफ़ी वो हो जाएगा। जी क्वेश्चन है, थैंक यू। अनीता जी कह रही हैं कि वंडरफुल, थैंक यू। मैंने कहा इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत किया जा सकता है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। कोई क्वेश्चन है तो बोलें। ये इमोशनल फ्रीक्वेंसीज का, किसी चीज़ का कुछ भी पूछना, इसलिए मैंने आज भी स्पीड लगा के इसको ख़त्म किया। जी कोई भी नहीं पूछ रहा, या तो बहुत समझ आ गई है या बिल्कुल नहीं आई। अब कैसा लग रहा, अब तो दो रह गए, दो दिन रह गए। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। और हाँ, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ना मुझे सुना और मेरे साथ आप बने रहे। आज 19 डेज हुए, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप भी अपने इर्द गिर्द लोगों का शुक्रिया अदा करें और आदत डालें शुक्रिया अदा करने की। आपने नोट किया होगा मैं हर दिन आपका शुक्रिया अदा करती थी, मैं आपको ये कहती थी कि आप लोग आए और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जी डॉक्टर समन मैम, हमने भी आपका शुक्रिया, मैंने भी अदा करना था। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला हमें दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, थैंक यू मच। वेलकम। कैसा लगा आज का जो लेक्चर था और ये सारी चीजें थी, कैसी रही, क्योंकि आज का टॉपिक था तो काफी टची। जी मैम बहुत अच्छा लगा, इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करेंगे इस तरह से। जी बिल्कुल, ये देखना ये सर मैम ये जैसे जी जी बोलिए जी, ग्रेजुएट में जैसे मैं लेट से मैंने वैसे एक सवाल पहले भी ये किया था कि वो हम वही वाली बात है कि बहुत सारी चीजों को लेते ही फॉर ग्रांटेड है। जैसे शुक्र, जैसे मैं अपनी जॉब की बात करती हूँ, कई दफा जैसे मैं थक जाती हूँ, जैसे आपने खैर पहले गाइड तो कर दिया, बता भी दिया, लेकिन उसमें कई दफा मुझे लगता है कि शायद फिर मैं नाशुक्री कर रही हूँ उस तरह से।
या पता नहीं फिर कभी लालच लगता है नहीं सर, वो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट छोड़ से। तो वो जो चीज आपने से बताया कि आए तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, बिल्कुल उसमें अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करें, वो जरूरत है। अब जो काम जो आपकी जरूरत है, रूल्स रेगुलेशन आपने बनाने हैं, वो चाहिए, उसके लिए सेल्फ असेसमेंट बार बार करने से वो फिर एक माइंड को आदत पड़ती है। तो उसमें ये भी है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए स्केल भी है, वो भी अप्लाई हो सकता है कि देखें किस एरिया में काम होने वाला है। तो मोस्टली तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो है ना वो ठीक भी हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो जो चीज़ हमारे माइंड को एक मोड चेंज हो गया था कि उसको ये हो गया था कि सेल्फ असेसमेंट करता रहे हर वक्त, तो वो इतना अपने सेल्फ असेसमेंट नहीं करनी, क्योंकि वो तज़किया नफ्स नहीं है, वो एक आदत बन गई है दिमाग को, उसका पैटर्न। तो जो आपने असेसमेंट करनी है, आपको पता है कि आप जो है ना अपने, जैसे रात को मैंने कहा कि जिनका थैंक यू बोलना, गाय बगाय उनका शुक्रिया अदा करें, गाय बगाय उनको फैसिलिटेट करें, जो कुलीग्स हैं जो गाय बगाय, मतलब कभी ना कभी ज़्यादा आप चीज़ें जब ये करेंगी तो आपको उधर से सेटिस्फेक्शन होगी कि ज़्यादा कुछ चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट है। आपने अगर थोड़ी सी भी कहीं डील दी या कुछ ऐसा किया, वो देखें वो जो क्या कहते हैं लीडरशिप के भी तो कुछ रूल्स हैं ना, तो उसके तहत फिर आपको जो आपने रोल अदा करना वो करना ही करना है, उसमें फिर आप रिग्रेट नहीं करें, क्योंकि वो तो उस जो आप जिस रोल में है तो उसकी तो प्रिंसिपल ही यही है, उसकी ड्यूटीज ही यही है, ऐसे करना है। तो समटाइम जब कर लेते हैं तो उसको कंपेंसेट तो करती होंगी, और आई एम श्योर कि इससे पहले भी किया, अगर नेक्स्ट भी कर लें कि वो उस वक्त उस टाइम की जरूरत थी, क्योंकि अगर बिल्कुल लीनियर, देखें लीडरशिप के भी तो वो टाइप्स है ना, वो एक लेयर जो वो लीडरशिप है उस तरह भी तो नहीं हो सकता सारा के सारा दूसरे को दे दो, आपके पास होल्ड ही ना हो। तो वो लीडरशिप के जो प्रिंसिपल के तहत जो चीज़ें है ना, तो जिसमें अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन और एक लेयर्स होते हैं, वो मेरे ख्याल से थर्ड वाले का नाम शायद मैं सही ले रही हूँ, तो उसमें जो है ना उसके तहत तो फिर इंसान ने ऐसा करना होता है, सिर्फ जजमेंट छोड़ दे बस, वो ठीक है तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हम खुद से ही, अभी खुद से ही एक चीज तो खत्म करनी पड़ेगी, जब हो जाएगी ना फिर आपको समझ आएगा, क्योंकि जब हम खुद क़यामत से हम इतना डराया गया, आखिरत से हम इतना डर रहे होते हैं कि हर जो सही भी कर रहे हैं वो खुद ही खुद पे ही वो छुरियां फिर रहे हैं कि पता नहीं ये भी गलत हो गया, तो उससे फिर वो जीना ही मुश्किल हो गया ना। तो ये चीज वो गुनाह सवाब के ही जो है ना मसले पड़े रहते हैं, वही इस तरह की कोई भी सोच आ जाती है, चाहे वो अच्छी है या सेल्फ जजमेंट की है या किसी किस्म की, तो इंसान और उसमें वो हमें कैद करती है। उस बंदे ने सोचा कि मेरी जो है ना मैं ये बोलूंगा, कहीं एक इंसिडेंस तो हुआ होगा कि उसको ये थॉट आई है कि मेरी बीवी मेरी तलाक हो जाएगी बीवी से, यकीन करें वो आया तो कहता मुझे ऐसे, अब मैं बोलता भी नहीं हूँ, ग्लास उठा के यहाँ रखूँगा, मुझे डर लगता है कि मेरी तलाक हो जाएगी। तो ये दिमाग हमारा इतना फिर हमें रोक के रख देता ना कि वो किसी जगह का नहीं छोड़ता। अब वो रियलिटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको दिमाग उठा उठा के चीज़ें दिखा रहा। तो ये हमने जितना इस दिमाग की सुननी शुरू की, तो इस तरह से वो हमें और परेशान करेगा, नहीं इसकी ये सज़ा मिलेगी, इसकी ये होगा, ये गुना। इसलिए पहले तो आप बिल्कुल नॉन जजमेंटल हो जाएं, किसी चीज का बिना करें, रब इतना रहमान है रहीम है। मैंने पहले भी कहा कि आप तो इतना नोबल प्रोफेशन है, और आप अगर एक मरीज के लिए ये सोच के जाती हैं और उसके लिए तो 10 नेकियां तो वैसे ही किसी जो बीमार है उसकी जिम्मेदारी के लिए लगती हैं, तो आप कितने कोई करके आते हैं, आप तो फरिश्ते, मतलब ज़ाहिर है वो एक मसीहा होते हैं, तो मसीहा जो है वो तो पता नहीं किस किस चीज से बख्शा जाएगा। तो आप ये सोच तो पहले खत्म करें ना कि आपका प्रोफेशन ही नोबल है। हाँ, जानबूझ के ऐसे ब्लंडर तो अल्लाह माफी दे, वो तो आप वैसे ही इतनी माशाल्लाह डाउन टू अर्थ हैं और ह्यूमैनिटी है अपनी और अल्लाह ताला के करीब हैं स्पिरिचुअली भी सारी चीजों को, तो ये एक दिमाग की हमारा फितूर है जो कि हमें इस तरफ ला के, तो जो चीजें खुदा ने दी है वही हमारा फोकस कहीं और लेके जा रहा है। तो इंजॉय करें सब चीजों को, आप शुक्र करें कि खुदा ने जो भी दिया बहुत दिया, और मैं मुझे ज़रा आप चुने हुए लोग होते हैं, आप डॉक्टर्स माशाल्लाह देखें, डॉक्टर नीता भी हैं, चुने हुए लोग होते हैं जो कि मखलूक अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। अब देखें थैंक यू सो मच, रिवेंज रिवार्ड तो डेफिनेटली जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो इन रिटर्न आपको भी कुछ मिल रहा है, मनी भी एनर्जी है, हम जो अपना टाइम है वो एनर्जी है, हम अपनी जो
जाके आप अपना नॉलेज देते हैं वो एनर्जी है, तो हर एनर्जी ही सर्कुलेट कर रही है, आप दे रहे हैं वो वापस आपको मिल रहा है। तो कोई लालच नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई कुफरान नियामत नहीं है, ये जो भी आप काम कर रही हैं बहुत ब्रिलियंट कर रही हैं, और अपने आप को आपकी बातों से बहुत हौसला मिला, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल गाइडेंस मिलके देखे ना, आप तो आम लोगों से थोड़े ऊपर हैं कि अल्लाह ताला ने आपके हाथों में शिफा दी और आपको लोगों को आपके पास भेजा कि आप हील करते हैं, जो सर्जरी करके, जो जिनकी डिलीवरी, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो दूसरे हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपना मूड इस तरह खुद अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम जिस मुल्क जिधर रह रहे हैं ना, हम लोगों को नेगेटिव, वही हमारा माइंड नेगेटिव पे, एक एक दफ़ा कोई प्रॉब्लम हो गया वो हाईलाइट कर देंगे कि डॉक्टर्स होते ऐसे इस तरह करें, ये नहीं देखा कोरोना में जो पहले बॉर्डर फर्स्ट बॉर्डर पे लड़ने वाले डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन था, अपने छोड़ गए, अपने लोग छोड़ गए, लेकिन कोरोना में वो लोग रहे जो मेडिकल प्रोफेशन से, तो वेल डन माशाल्लाह। जो डॉक्टर्स अनीता, डॉक्टर समन, आप लोग तो पहले ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारे लिए भी अप्रिशिएशन दे कि हम जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ और भी बैठी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं कि हम जो है ना, हम भी लोगों को जो है ना, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और इन चीज़ों के लिए हम लगे हुए हैं। तो ये तो हम अल्लाह की मखलूक के लिए लगे हुए, रिवार्ड में तो चाहिए तभी तो हम सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल मैम, मैंने पढ़ा था कि मनी तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, और पैसा सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल मैम, जरूरत है, बिल्कुल मैम। मैम थैंक यू सो मच आपको लोगों का भी, माशाल्लाह मैंने तो बल्कि अब जैसे जब से आपके साथ किया, मुझे फिर अंदाजा हुआ कि साइकोलॉजी भी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। मैं तो बल्कि सोच रही थी कि काफी अर्सा पहले ही कर लेते, मतलब पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और दूसरों को इतना एनकरेज करने के लिए। माशाल्लाह आपका भी बहुत, अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे और बरकत दे, बहुत ही जबरदस्त काम है। मैं तो मेरे को बहुत दुआ के देती हूँ, बिल्कुल जरूर मैंने किया मैम शेयर, आपके नंबर दिए है उसमें भी, फेसबुक पे रिव्यू भी है, वहाँ अगर कोई अपना पोस्ट डाल दे वो अप्रूव करके मैं कर दूंगी कि ये हमने सीखा और फायदा मिल रहा है सबको। आना आते नहीं है लोग, मैं आपको बताऊँ ना, इतने इतने प्रॉब्लम्स है ना इंसानों के अंदर, आप नहीं ठीक कर सकते, कोई आ ही नहीं रहा इस तरफ, लड़ी कहाँ से पकड़े, ये बात तो है, रियलाइज ही नहीं करते ना उस चीज को की जरूरत है उसकी, मशवरा ले लें उससे पूछ लें तो कितना ज्यादा फायदा होता है। वही मशवरा अगर बहन भाई आपस में कर लेंगे, माँ बेटी कर लेगी, तो वो बायसनेस हो जाएगी, उनको तो नॉलेज नहीं होगा, सिंसियरिटी तो होगी लेकिन वो सही फैसला तो नहीं होगा। कल जो प्रिडिक्शन है, एक बंदा जो जिसको नॉलेज है वो प्रिडिक्ट करके आपको अच्छा फैसला दे देगा, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं सुनता लोग, बल्कि जिस जिसके साथ पता चलता है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो दिमाग के हैं, ये तो मायरे नफ्सियात हैं, पढ़ा मैम पढ़ा, बहुत ज्यादा अलमी है, उनसे बात करते हैं, उनसे रिश्ता ही, उनसे बातचीत छोड़ देते हैं, मतलब वो ये समझाना जो है ना, अंडरस्टैंडिंग, बस ये कह दो तो नहीं जी हमें तो कोई दिमाग का मसला नहीं है, तो समझते नहीं इस बात को ना, मतलब बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही वाली बात है कि मेरे ख्याल में तो इससे बड़ी नेमत, ब्लेसिंग है बहुत बड़ी जी, बिल्कुल, कि आपको कितना अच्छा गाइड करे, बस उसकी जहालत ही है, लोग बस वो इस तरह के रेफर करें तो नहीं जी हमें तो दिमाग का मसला ही है, हमें पागल लोग पे भेज दिया ये बोलते ना। और अब देखें, मैंने पिछले दिनों भी एक खातून, वो भी ऐसी एजुकेटेड थी, तो जब मैं उसको समझा कहती मुझे तो कभी किसी ने इस तरह का बताया ही नहीं है, तो जाहिर है जिस किसी को पता होगा तो बताएगा ना कि कैसे रिलेशन मैनेज करने होते हैं। असल चीज़ क्या, अब ये देखें कि हमारे जो जज्बात होते हैं उनकी भी ताकत होती है, वो एक दूसरे को एनर्जी स्प्रेड, हमारे इर्द गिर्द जो है ना, वो ऑरा जो है, वो ऑरा यही तो है कि हम जो सोच रहे होते हैं, हम जैसा कर रहे होते हैं, बाहर वही लाइट पड़ रही होती है, तो वो दूसरे हम अट्रैक्ट भी उसी को कर रहे होते हैं, कितनी डेप्थ में चीज़ें पता चले। अब जब हमें खुद पे ही काम करने का मौका मिल गया तो हम क्या डायग्नोज करवाएं, मुझे ये पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, मुझे डिप्रेशन है, या किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो है, हम खुद से इनर वेलनेस ना करें कि हम सेल्फ डिवेलपमेंट कर लें, कि खुद से ही अपने पर काम कर लें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वही आप इम्प्रूव करें तो वैसे सही बात है मैम, सराउंडिंग्स भी इतनी बेहतर हो जाती हैं, आप मतलब खुद ही कोई बातें चेंज कर सकते हैं और उसमें आप मतलब खुद बहुत बेहतर हो जाते हो, घर का माहौल बड़ा बेहतर हो जाता है, आपकी जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो इतनी बेहतर हो जाती है, बस वही बात है कि बस समझते नहीं है ना। बिल्कुल।